आज की उपासना सभा के बाद जो प्रज्ञा के खंड लेकर मैं आपके साथ बात करने आया हूँ वो बड़ा एक अनोखा विषय है। इसमें हम लोग बात साधना के लगन को लेकर करने वाले हैं। अक्सर ये हम देखते हैं कि कोई भी साधना में इंसान अपने आप को लीन करता है तो उसका एक जो मुश्किल वो सामना करता है वो ये है कि उस साधना में लगे रहना। साधना यानी कोई भी प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस को, जिस अभ्यास को आप तय कर लेते हैं, आप ये एक मनसा बना लेते हैं कि इसको हमें करना है, इसी को अक्सर साधना कहा जाता है। तो अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से साधना को देखते हैं, पर हम इसी को साधना कह रहे हैं अभी। अब आप देखिए, कोई वजन बढ़ गया है, किसी को मोटापे का जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, उसको आसान करना है, तो वो कोई भी प्रोग्राम में अपने आप को दाखिल करता है। वो प्रोग्राम चाहे एक्सरसाइज का हो, कोई जिम का हो, कोई योग साधना हो, या मेडिटेशन हो, या कोई दवा लेकर और कुछ हो, या डाइट का प्रोग्राम हो, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स अक्सर लोग शुरू करते हैं। पर वो देखा जाता है कुछ दिन बाद उस प्रोग्राम से उनका मनसा धीमा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। और अच्छा, इसलिए नहीं कि उस प्रोग्राम से उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट मिलने के बावजूद भी, सफलता मिलने के बावजूद भी ऐसा देखते हैं कि कंप्लायंस जो है, कंप्लायंस यानी जो भी उनको बताया गया है, जो विधि है उस प्रोग्राम का, उस साधना का, उससे वो चूक जाते हैं, उसको मान के नहीं चल पाते हैं। कुछ दिन तक तो चलते हैं, सब कुछ बड़ा ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 उससे हम रास्ते से हट जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कुछ तो कारण होगा। अब कोई कहेंगे कि नहीं, हो सकता है सफलता नहीं मिलता है, कोई कहेंगे नहीं बड़ा मुश्किल होता है, ये कठिन पथ होता है, तो ये कठिनाई सबको मज़ा नहीं आता है, ये इसमें अच्छा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें कहेंगे, लोगों को पसंद नहीं होता है। तो जो बात पसंद नहीं है उसको हम शुरू क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, सोचते हैं कि इससे कुछ मिलेगा, जिससे हमें कुछ मिलता है वही हमें पसंद आता है। तो ये ना मिलने का जो चक्कर है इसको समझना चाहिए। कभी कभी देखते हैं मिल रहा है, हम वजन कम हो रहा है, हो गया था, मिल गया, पूरा रिजल्ट मिल गया। हमारा वजन 80 था, हमारा टारगेट था कि इसको 62 पे लाना है, 62 पे आ भी गया, लेकिन उसके बाद हम अपनी साधना की जो पथ है उसको छोड़ दिए, साधना को छोड़ दिए, जो जो करते थे उसको छोड़ दिए, तो फिर से वापस 80 में चले गए। ये अक्सर होता है, और सिर्फ वजन को लेकर नहीं, स्वास्थ्य संबंधित हर चीज़ में ऐसा हमेशा होता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और इसमें मेरा एक राय है, ये एक राज की बात मैं बताऊँगा, मेरा ख्याल है इसको आप थोड़ा सोच के देखिएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल की साधना पे लगे ना रहने का जो प्रॉब्लम है, इससे हम सबको जूझना पड़ता है। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि इसका कारण ही हम सबको पता नहीं होता है कि क्यों हम नहीं लगे रहते। तो इसका कारण क्या है? मेरा मानना है कि इसका कारण ये है कि जब भी हम कोई भी साधना का पथ हो, यानी कोई प्रोग्राम हो, उसको चुनते हैं और उस पर अपने आप को दाखिल कर देते हैं, उस वक्त हमें ये पता ही नहीं है कि हम असल में चाहते क्या हैं। हमारे गभीर अंदर में, अंदर से या प्रकृत रूप में हम चाहते क्या हैं, ये हमें पता नहीं होता है। जो हम चाहते हैं रियली, जिसको व्हाट वी वांट, मतलब प्रकृत रूप से जो हम चाहते हैं, उसके साथ हमारा लगन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उसके साथ हमारा परिचय नहीं होता है। तो हम सोचते हैं, भ्रमित रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम चाहते कुछ और हैं। हमको लगता है कि हम चाहते हैं कि वजन कम जाए, वजन घट जाए, पर मैं कह रहा हूं कि जब आप चाहते हैं कि आपका वजन 80 से 62 आ जाए, असल में प्रकृत रूप में आपका अंदर का जो आपका जो सत्ता है वो कुछ और चाहता है।
लेकिन आपका मन या कोई भी जो भी आपको गाइड करता है वो आपको भ्रमित करता है और आपको ये विश्वास दिलाता है कि शायद आप वजन कम करना चाहते हैं। याद रखें, कम करना एक जरिया है, हाँ वो आप चाहते हैं, लेकिन वो रियल चाहत नहीं है। तो वजन जब कम हो भी जाता है लेकिन आपका रियल चाहत यानी कि असली तौर पे आप जो चाहते हैं वो अगर आपको ना मिले तो वहां से आपका मनसा धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। साधना के प्रति आपका जो लगन शक्ति है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक उदाहरण से समझा रहा हूं, शायद इस बात को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मानिए वजन करने की प्रोग्राम से हमें बहुत सफलता भी मिल रही है, रिजल्ट्स मिल रही है, यानी 80 केजी से शुरू किया था और जिम में जा रहा हूँ या योग साधना कर रहा हूँ या कोई दवा ले रहा हूँ जिससे हमें रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या है कि 2 महीना के बाद मेरा वजन 80 से 70 हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद वो 62 की ओर, 62 मेरा टारगेट है, उतना तक भी पहुँच रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ये प्रोग्राम से हमारा मन चूक गया, फिर से हम वापस चले गए, जो हमारा जिस रास्ते से चल के मैं 80 तक पहुंचा था फिर से वहीं तक पहुंच रहे हैं और देखते हैं कि साधना फीका पड़ गया है। क्यों हुआ था ऐसा? रिजल्ट तो मिल रहा था, हाँ रिजल्ट मिलने से कुछ दिन तक तो मोटिवेशन रहता है, ये लगन लगा रहता है, लेकिन आखिरकार फिर बहुत समय चूक जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप चाहते कुछ और है। क्या चाहते हैं? उदाहरण स्वरूप, जो आपको जब रिजल्ट मिल भी रही हो और आपका वजन आप 70 हो गया है, लेकिन मानिए आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका गाड़ी आके एक सिग्नल पे खड़ा हुआ है जहां आपको लेफ्ट लेना है, पर वो लेफ्ट टर्न फ्री है, पर लेफ्ट टर्न को ब्लॉक करके कोई, ऐसे ही आप बोलेंगे, इडियट उस समय बोलेंगे कि ऐसा कोई आपका रास्ता बंद करके खड़ा है, आप उसको हॉर्न दे रहे हैं, वो हट नहीं रहा है क्योंकि उसको सीधा जाना है। तो आपका मन में चिढ़ होना शुरू हो रहा है कि ये कैसा आदमी है, इसको क्यों नहीं इतना भी तमीज है, और आप अस्थिर होने लग रहे हैं, आपके मन में गुस्सा बहक रहा है। ये सारा चीज जो अस्थिरता ये हो रहा है, इसी से मुक्ति आपका प्रकृत चाहत था। आप तो साधना कर रहे हैं, आप बहुत बहुत लगन के साथ साधना कर रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिल रही है, लेकिन यहां आके आपको जो आप सही तरह से चाहते थे, जिसके साथ शायद आपका परिचय भी नहीं था उस वक्त जिस वक्त आप साधना के रास्ते में दाखिल हुए थे, उससे चूक गए और आपको पता नहीं चला। इसी कारण से ये जो आपको नहीं मिला, इस समय आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे ऐसे मौके पे भी आप बड़े मस्ती में रहें। हाँ, अगर नीचे उतर के उस आदमी को कुछ आपको सिखाना भी रहे जिसने आपका रास्ता ब्लॉक किया, उसको भी आप मस्ती भरे एक भाव से सिखाएंगे, आप विचलित नहीं हो जाएंगे। उसके ऊपर अगर शक्ति भी प्रयोग करना हो तो शक्ति भी आप बड़े मस्ती के साथ प्रयोग कर पाएंगे। तो ये जीवन में जो मस्ती है, जो सच्चिदानंद रूप जिसे कहा जाता है, कि हर परिस्थिति में हम सहज और सुखी रहेंगे और रह के अपने कर्म को निर्वाह करेंगे, चाहे वो कर्म जैसा भी हो, लेकिन हम उस कर्म करते वक्त, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो करते वक्त सहजता और सुख महसूस करेंगे और एक आनंद के साथ जीवन को जिएंगे। ये सही चाहत है। इसी चाहत के साथ पर हम कनेक्टेड नहीं है, कोई ये नहीं याद दिलाता है कि सही चाहत यही है। और लोग कहते हैं, ए मोटे हो गए हो, ए तुमको वजन कम करना है, वजन कम करना है, वजन कम करना है, आप भी इसको विश्वास करने लगते हैं। हाँ, वजन कम करना है, क्योंकि वजन कम करना एक जरिया है वहां तक पहुंचने के लिए, वो सच्चिदानंद भाव तक पहुंचने के लिए आपका वजन सही रहना है। लेकिन वजन कम करने से ही वो नहीं मिल जाएगा, और कुछ भी करना है तो आपका साधना का पथ ऐसा हो जिसमें आपका वजन भी सही रहे, यानी शरीर फिजिकली भी आप सही रहे, और आपका ऊर्जा, एनर्जी, प्राण शक्ति भी आपके कंट्रोल में रहे, आप उसके भी मास्टर बन जाए, और आपका मन, चिंता, सोच, मन की जो खेल है उसमें भी आप उस खेल के मास्टर बन जाए, और आखिरकार आपका जो चित्त है जिसके ज़रिए आप हर चीज़ के बारे में अवगत हैं, आपके अपने सोच के बारे में भी अवगत है,
तो ये तन प्राण मन चित्त की जो साधना है, जब तक आपकी कोई भी साधना पथ में ये चारों इंटीग्रेट ना हुआ हो, तब तक वो साधना का पथ आपको आप जो सही मायने में जो चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। और इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने से भी आप उस साधना के पथ से शायद चूक जाएं। तो इसीलिए ऐसे पथ फिट फॉर लाइफ का जो प्रोग्राम है, इसीलिए इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है, जैसे कि ये धन प्राण मन चित्त का साधना हो, सिर्फ शरीर का नहीं, सिर्फ ऊर्जे का नहीं, सिर्फ मन का नहीं या सिर्फ चित्त का नहीं। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल और एनर्जेटिक और मेंटल और स्पिरिचुअल, बट इट्स यूनिडाइमेंशनल, ओमनी डायमेंशनल। हर एस्पेक्ट, जीवन के जितने भी एस्पेक्ट है, सबको लेकर साधना होनी चाहिए। तभी वो साधना आपको धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं, एक जीवन में भी नहीं, कई कई जीवन इसमें हम मिटा देंगे, पर साधना में लगे रहेंगे तब तक के लिए जब तक हम जो चाहते हैं वहाँ तक पहुँच ना जाए। और जो चाहते हैं उसके साथ जुड़ने के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि हम ये जाने कि हम हैं कौन। तो हम जब ये पता हो जाता है कि हम कौन हैं, तो ये क्या चाहते हैं ये भी बड़े बड़ी सहजता के साथ समझ में आ जाता है, और तब साधना का पथ भी चुनना भी सहज हो जाता है। तो मेरा राय ये रहेगा, आप चाहे फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम हो या कोई और भी प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्राम में, ऐसी साधना के रास्ते में आप चलना शुरू करें जो आपको आपके जो सही असली द रियल चाहत जो है उसके साथ कनेक्टेड। आज के लिए इतना ही। बस रोज़ हमारी उपासना आराधना या जो आरती वगैरह होती है, जो प्रैक्टिसेस है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ये प्रज्ञा का खंड आपके साथ एक साथ हम लोग बिताएंगे। पर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।